कुलियंस वेलकम बैक। आई होप कि आपने पिछले वर्क को अच्छे से कर लिया होगा। ओके तो बेटा टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक विच इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट लेक्चर आप याद करो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट इज़ कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, ठीक है बेटा। यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन कैसा है डिफरेंशिएबल, तो बेटा गारंटेड वहां पर फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूस, ठीक है बेटा। तो इसके आगे हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। आप जल्दी से कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें, ओके। अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने फिर बोल रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा कि थ्योरम पढ़ा हमने, ठीक है, कि इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, पॉइंट कौन सा, एक्स इज इक्वल टू ए बेटा, देन इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ओके। आगे आप लिखें, ठीक है, कि नोट डालें, ठीक है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है बेटा, ठीक है, या लिखें इज नॉट नेसेसरी ट्रू, ठीक है, इज नॉट necessarily true, ठीक है। किसी पॉइंट पर फंक्शन अगर कैसा है डिफरेंशिएबल, तो फिर गारंटेड कैसा होगा कंटिन्यूस बेटा, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है होल्ड करे, ठीक है, हो भी सकता और नहीं भी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो फिर ये उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है बेटा। आप एग्जाम्पल लिखें, आप एग्जाम्पल लिखें, ठीक है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ठीक है, आपको याद होगा ना इसका ग्राफ कैसा था, ठीक है, इसका ग्राफ आपका ऐसा था, ठीक है। तो बेटा क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, ये पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पर कैसा है कॉन्टिन्यूस, ठीक है बेटा, इसका जो डोमेन है वो है आर, और ये पूरे पूरे R पर भी क्या है, R पर ही क्या है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो जीरो पर भी कैसा है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हेयर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो बट f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। आप देखें इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, है ना। देखो बेटे जीरो पॉइंट पर मेरा फंक्शन कैसा बन गया, है ना, नॉन डिफरेंशिएबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका शार्प कॉर्नर बन गया, और शार्प कॉर्नर के बनने से क्या होगा, यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट की गारंटी खत्म हो गई, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, जीरो पर कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ओके बेटा, इसे आप नोट कर लीजिए। अच्छा इसके बाद आप एक रिजल्ट और लिखें, ठीक है बेटा, रिजल्ट क्या है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, किसी पॉइंट ए पर मेरा फंक्शन एफ एक्स बेटे कैसा है डिसकंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है, then f is non-differentiable at x is equal to a, ठीक है। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन कैसा है डिफरेंशियबल, तो पक्का कैसा होगा कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो फिर वो वहाँ पर डिफरेंशियबल भी नहीं होगा, ठीक है। आप इसका प्रूफ लिखें, हालांकि आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई में आपको इन थ्योरम्स का, इन रिजल्ट्स का सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इनका प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन्हें कर सकते हैं। आप लिखें, गिवन दैट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो बेटे आप मान लो, अच्छा देखो
फंक्शन अगर मेरा ए पॉइंट पर कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, फाइनेटली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, या एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन आपस में इक्वल नहीं होगा। अगला रीज़न क्या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल तो हैं बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। आप किसी भी एक रीज़न को लेकर चलिए, ठीक है, लेट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, सही बात है भाई, आपका फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू ए। आपने मान लिया कि, ठीक है, कि जो आपका राइट हैंड लिमिट है वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, ठीक है, किसी भी एक कंडीशन को आप मान ले, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा, आप कंसिडर करें लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय में h, ओके। देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा है राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये मेरा है राइट हैंड डेरिवेटिव, सही है। अच्छा, आप ये देखें, इसमें जो ये न्यूमरेटर है ना, ये तो जीरो हो नहीं सकता और ना ही जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, लेकिन जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, लिखें आप, ठीक है, इन दिस लिमिट, ठीक है, न्यूमरेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटे, या जीरो नहीं होगा और ना ही जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, बट डिनोमिनेटर इज, ठीक है, अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान आएगा ना कि राइट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, ठीक है, आपका ये लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बनने के बाद, लेकिन अब ये क्या है, ठीक है, लेकिन अब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म का नहीं रहा, ठीक है, आप लिखें बट दिस लिमिट कैन एग्जिस्ट, ठीक है, ओनली इन जीरो बाय जीरो फॉर्म, ठीक है, ये लिमिट आपकी जीरो बाय जीरो फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको एक फाइनाइट नंबर नहीं देगा, ठीक है, आप लिखें, ठीक है, हैंस राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, कैन नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, हैंस प्रूव्ड, ओके। आपको जरूरत नहीं है इसको प्रूव करने की, लेकिन अच्छी समझ के लिए, ठीक है, इस टॉपिक की बेहतर ढंग से समझ के लिए आपको, ठीक है, इनको एक बार रीड कर लेना चाहिए, ओके। तो बेटे अभी हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने सीखा अगर मेरा फंक्शन किसी पॉइंट पर कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस, तो फिर वो वहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ओके। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, किसी क्वेश्चन के दौरान आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और अगर आप ये प्रूव कर दें कि मेरा फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो फिर आप बोल सकते हैं सिंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एंड हैंस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। आप सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करके उसका जवाब दे देंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा, लास्ट रिजल्ट आप नोट करें, लिखें आप
ठीक है, लिखिए आप इसको. इफ ए, ठीक है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए. किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, बट, ठीक है, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट फाइनाइटली. ठीक है, भी ध्यान रखें आप, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन ये दोनों डेरिवेटिव अपने आप में है ना फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, देन एफ एक्स इज स्टिल कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. ये बात सही है. देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे लेकिन आपस में बराबर नहीं होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन फाइनाइटली एग्जिस्ट करें दोनों. ओके, तो ऐसे में भी क्या होगा, ऐसे में भी मेरा फंक्शन एफ जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट. सही है, आप इसका प्रूफ लिखें. ठीक है, आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई में एच. सही है, नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई में माइनस एच. तो बेटे ये राइट हैंड डेरिवेटिव, ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, लेकिन दोनों कैसे हैं फाइनाइटली, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये भी क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा. ओके, और बेटे ये भी क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा. ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो मेरा एफ होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए. दैट मीन्स आप लिखिए, टू प्रूव एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. सही है, दैट मीन्स, अच्छा फिर दोबारा से, एफ कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर इसका ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा. ठीक है, आपको मतलब ये प्रूव करना है. ठीक है, बात अच्छा, जैसे मैंने सबसे पहले थ्योरम में मैंने जो रिजल्ट यूज किया था, ठीक है, जिस तरह से उसे मैंने प्रूव किया था, आप यहां पर वही स्टेप लेंगे. ओके, आप लिखें, कंसीडर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ओके बेटा, माइनस एफ ऑफ ए. आपने इस लिमिट को कंसीडर किया, ठीक है, नाउ वी कैन राइट इट एज, ठीक है, आप क्या करें, आप h से डिवाइड करें और h से ही मल्टीप्लाई करें. ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए. सही है, जो कि क्या था, एक ये क्या आएगा, एक ए फाइनाइट नंबर. ठीक है, देखो विद लिमिट h टेंड्स टू जीरो ये क्या बनेगा, एक फाइनाइट नंबर. ओके, और ये क्या है, जीरो है ना, तो बेटे पूरा क्या बन गया, ये बन गया पूरा जीरो. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. सही है, मेरे पास ये आ जाएगा. ओके, अच्छा बिल्कुल सेम वे से, ठीक है, आप लिखें, सिमिलरली लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ओके, एफ ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. ठीक है बेटा, अगली बार आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लेंगे, ठीक है, और सेम
कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो बेटे वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको मिलेगा अगेन फिर ये, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद हम, ठीक है, इन सभी रिजल्ट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद हम, ठीक है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक बार फिर से याद करें कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। बेटा सबसे पहले हमने रिजल्ट पढ़ा कि किसी पॉइंट पर यदि मेरा फंक्शन f कैसा है, डिफरेंशियबल, तो फिर वो गारंटेड कैसा होगा उस पॉइंट पर, कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस, तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ओके। फिर हमने क्या सीखा कि यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस, तो गारंटेड वो कैसा होगा, नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो फिर आप डिफरेंशियबिलिटी भी चेक नहीं करेंगे। तो बेटे इसके बाद हमने लास्ट रिजल्ट क्या पढ़ा कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, तब भी ऐसे में मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स वो ए पॉइंट पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आप इन रिजल्ट्स को अच्छे से याद करें, ठीक है, और साथ साथ ही आप इसे कॉपी में नोट करते रहें, ओके ओके। बेटा अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो भी जल्दी से आप क्वेश्चन लिखें। हाँ लिखें आप। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री बट नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो भाई ये आपका क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 2013 और 12 में, ठीक है। तो भी दो बार आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए, ओके। हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का मॉडुलस, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि ये थ्री पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू थ्री पर कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और बात, इससे पहले आपने थ्योरी के दौरान क्या सीखा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। अब ये तीन पर क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है, हमें इस रिजल्ट का पहले ही पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी सीबीएसई में 4 मार्क्स लेने के लिए हम इसे पूरा थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है, पूरा लिख कर हमें सोल्व करना पड़ेगा, ओके। अच्छा एमसीक्यूज के लिए आप इसे डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव वे में आपको लिखना सीखना पड़ेगा। आप लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपका कैसे खुलेगा ये एक्स माइनस थ्री, कब, अगर आपका क्या होगा एक्स 3 या 3 से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये आपका कब आएगा, अगर आपका एक्स क्या होगा 3 से छोटा होगा, ठीक है। आप सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन करें, ठीक है, मतलब इसका डेफिनेशन खोल लें आप। अब आप पहले आप चेक करें कॉन्टिन्यूटी और फिर आप चेक करें डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। ऐसे पहले आप चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, और इसके बाद आप चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, सही है। तो बेटा आप कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी में आप क्या करते हैं, एक बार 3 के ऊपर चेक करेंगे, एक बार 3 के लेफ्ट में और एक बार 3 के राइट में, सही है। तो बेटे एफ ऑफ 3 जब x 3 के बराबर है ना, तो बराबर कहाँ बेटा, यहाँ पे आप 3 यहाँ पुट करें, ठीक है, 3 - 3 = 0, ओके बेटे। अब आप निकाल लें लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है, एफ एक्स,
लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री माइनस, देखो जब एक्स तीन से जस्ट छोटा है, ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर फंक्शन ये इस्तेमाल होगा, सही है, माइनस एक्स माइनस थ्री, ठीक है। जैसे जैसे एक्स अप्रोच करेगा थ्री को तो ये फंक्शन अप्रोच करेगा जीरो को, सही है। अब आप निकाल लें राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री प्लस, सही है बात। देखो आपका जब एक्स तीन से बड़ा है कहां पर है, ये रहा, तो तीन के राइट में आप इस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, आप तीन के राइट में इस फंक्शन का यूज करेंगे x माइनस थ्री, ओके। अच्छा आप यहां पर यह भी कर सकते हैं कि x को पुट करें थ्री प्लस एच और यहां पुट करें x को थ्री माइनस एच, ठीक है, लेकिन ऐसे फंक्शंस में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आप काम करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के दौरान, ठीक है, जितने भी हमारे पीस वाइज फंक्शन होते हैं वहां आप इस्तेमाल करें, ठीक है, यहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीनों लिमिट्स कैसी हैं, इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, ओके। देखिए इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉन्टिन्यूटी के ऊपर इनफ क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, ठीक है, तो आप उन्हें ध्यान से पढ़ लेना पहले, ओके। तो बेटा अब आप चेक करेंगे डिफ्रेंशिएबिलिटी, ठीक है, कौन से पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू थ्री, ओके। अच्छा एफ ऑफ थ्री आपका क्या है, जीरो है ना, और फिर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का आपका डेफिनेशन क्या था बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ है ना थ्री प्लस एच माइनस एफ ऑफ थ्री बाय में एच। बेटा यहां पर ए का काम कौन कर रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, यानी के एक्स इज इक्वल टू थ्री पर, ओके। तो ये ए का काम कौन कर रहा है, थ्री, ओके। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बेटा एफ ऑफ थ्री देखो आपका कहाँ है, वो रहा जीरो, सही है, डिवाइड में क्या है एच। अब आप यहां मिस्टेक मत करना, एफ ऑफ थ्री प्लस एच जब मेरा एक्स तीन से क्या है जस्ट बड़ा है, ठीक है, तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, ये है ना, जब तीन से बड़ा है तो जहां जहां एक्स है आप क्या पुट करें थ्री प्लस एच, जहां जहां एक्स है क्या पुट करें थ्री प्लस एच, थ्री प्लस एच माइनस थ्री, आप लिखें थ्री प्लस एच माइनस थ्री, तो भाई ये सही है एच बाय एच, ओके। ये क्या आएगा आपका वन, यानी कि एक्स इज इक्वल टू थ्री पर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बन गया वन, ठीक है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सही है, f ऑफ थ्री माइनस एच माइनस एफ ऑफ थ्री बाय में एच, ओके। तो बेटे आपका f ऑफ थ्री कितना था, वो देखो f ऑफ थ्री आपका है जीरो है ना, तो बेटे बाय में क्या है आपका h, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ओके। अच्छा f ऑफ थ्री माइनस एच इसको आप ध्यान से निकालें, ठीक है, f ऑफ थ्री माइनस एच यानी जब मेरा x क्या है तीन से थोड़ा सा छोटा है, तो आप फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये, और जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे थ्री माइनस एच, ठीक है, तो क्या बन गया माइनस माइनस एक्स माइनस थ्री, और x की जगह पर कौन आ जाएगा थ्री माइनस एच, थ्री माइनस एच, ओके माइनस थ्री, भाई सही है बात। और आप देखें तो अच्छा एक और माइनस एच, ठीक है, अगेन आप बेटे माइनस एच कर लिखे यहां पर, ठीक है, एच नहीं आएगा ना, क्या आएगा माइनस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस माइनस प्लस, ऊपर कौन आ गया एच, ठीक है, नीचे कौन आ गया माइनस एच, तो बेटे क्या बन गया वन माइनस वन, ओके। यानी कि थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री पर मेरा इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा वन, और बेटे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन, दे आर नॉट इक्वल है ना, दे आर नॉट इक्वल एंड हैंस एफ इज नॉट डिफरेंशियबल या फिर नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, सिंस आप लिखे ना
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3, सही है। तो भाई सीबीएसई में जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आप उसको इस तरीके से डील करेंगे, सही है। तो बेटे लिखने के ढंग पे आप थोड़ी सी पकड़ बनाएं, ठीक है, और वो तब बनेगी जब आप क्वेश्चनों की लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बेटा 3 पर मेरा क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन मेरा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। आप लिखें फाइंड वेदर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स, माइनस 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन कब रहेगा, जब x छोटा होगा 1 से, ठीक है। इज डिफ्रेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 और नोट, ठीक है भाई। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2015 में, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो भाई इस फंक्शन की आपको डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करनी है 2 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहला 1 और दूसरा 2, ओके। तो आप ये समझो कि आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, ओके। तो बेटे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा 1 के ऊपर, फिर चेक करूंगा 2 के ऊपर, ओके। आप लिखें डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, और फिर आप करें डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। बेटा x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर पहले आप निकालें f ऑफ 1, है ना। अच्छा 1 के इक्वल फंक्शन कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, x 1 के इक्वल है यहाँ पर, है ना, तो आप 1 को यहाँ पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, फिर आप निकालें f ऑफ 2, सही है। तो बेटा आपका 2 कहाँ से आएगा, 2 के बराबर फंक्शन यहाँ पर है, ओके। देखो आप 2 पुट करें, 2 माइनस 2 0 बन जाएगा भाई, ठीक है। एक बार निकालेंगे राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक बार निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। आप निकालें बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय में एच, सही है बात। लिमिट एच टेंड्स टू 0, अच्छा एफ ऑफ 1 आपका कितना है, एफ ऑफ 1 आपका है 1 बाई में क्या है h, 1 प्लस h जब मेरा x 1 से बड़ा है, ठीक है, कहाँ पर है, ये रहा, है ना, 1 से बड़ा, देखो तो जहाँ जहाँ x है, तो बेटे क्या पुट करेंगे आप, 1 प्लस h, 2 माइनस x, x कौन है 1 प्लस h, सही है। तो करो आप इसे, ठीक है, आप करेंगे ना इसे, एक तो क्या आएगा आपका माइनस 1 माइनस 1 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस एच, बाय में कौन है h, ठीक है बेटे। तो आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, माइनस 1, ओके। अब आप निकाल लें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एच, ठीक है। अच्छा कई बार मैं माइनस एच गलती से h लगा देता हूँ, ठीक है, आप ये मिस्टेक ना करें और ध्यान से करें। ये बेटा 1 है, नीचे क्या है h, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, लेकिन जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, ठीक है भाई। तो भाई ये क्या बन गया, सही है बेटे। अच्छा नीचे माइनस h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0,
माइनस एच बाय माइनस एच, तो क्या बन गया बेटा वन, है ना। तो भाई वन के ऊपर मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बना, माइनस वन, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बना है, वन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, सही है। तो भाई यही काम मैं दोबारा करूंगा एक्स इज इक्वल टू टू के साथ, सही है। अब मैं टू के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा। पहले आप निकालें राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ टू प्लस एच, सही है, माइनस एफ ऑफ टू बाय में क्या आएगा भाई एच, तो भाई जहां जहां आपका x था क्या आएगा 2 प्लस h, जब x 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। तो x 2 से बड़ा कहां है भाई, ये रहा, ठीक है बेटे। तो ये थोड़ा सा आपका लेंथ ही चलेगा। अब जहां जहां x है आप क्या यहां पर, है ना, 2 से बड़ा, देखो जहां जहां x है क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, फिर आप करें माइनस 2 प्लस 3 इंटू में 2 प्लस h, सही है। और बेटे माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ टू कितना है, जीरो, है ना, बाय में कौन है एच, सही है। अब आपका काम केवल इतना है कि आप इस लिमिट को इवेल्यूट करें, ठीक है, आपका काम केवल इतना है। आप करें इसे तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस टू प्लस सिक्स प्लस थ्री एच, ठीक है, माइनस फोर माइनस एच स्क्वायर माइनस फोर एच, तो ये कैंसिल, ठीक है भाई। तो बेटे ये आपका बन जाएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस एच, बाय में कौन है एच। भाई ध्यान से यहाँ आप कैलकुलेशन आपका गलत ना हो, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है भाई। तो बेटा h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, फिर आप h को जीरो पुट करें, क्या आएगा माइनस वन, ठीक है। तो भाई टू पॉइंट पर मेरा, ठीक है, x इज इक्वल टू टू पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, ओके। अच्छा अब आप निकाल लें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ टू माइनस एच, ठीक है भाई, माइनस h। आई होप कि आपने यहां तक लिख लिया होगा, ठीक है, नहीं लिखा तो फिर वीडियो को रिवाइंड करो, ठीक है, दोबारा समझो और अच्छे से लिखो। बेटा जहां पर x है आप क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच, ठीक है, करें ना आप पुट, कहां पुट करेंगे, x 2 से छोटा कहां पर है, यहां पर, यहां जहां जहां x है क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच, करो 2 माइनस एक्स, यानी कि 2 माइनस एच, सही है। f ऑफ 2 आपका क्या था, 0, बेटे y में क्या है, माइनस एच, ठीक है बेटे, 2 से 2 गया आपका, और आपका h ऊपर आ गया, नीचे आ गया माइनस एच, तो भी क्या बनेगा, माइनस वन, यानी कि मेरा फंक्शन इस पॉइंट पर कैसा है, डिफरेंशिएबल। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, ओके। तो बेटा आपके पास ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आते रहेंगे 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, जहां पर आपको पूरा पूरा लिखकर दिखाना पड़ेगा। तो बेटे ऐसे क्वेश्चनों का आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है, हालांकि बाद में मैं आपको ट्रिक्स खाऊंगा एक इन कैंसर को चेक करने के लिए, ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। और अगले लेक्चर में मैं डिफरेंशिएबिलिटी के थोड़े से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, ओके ओके।